नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बाय ऑप्शन बायर एंड बाय ऑप्शन सेलर बोथ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि बायर सेलर दोनों का ऑब्जेक्टिव इसमें कवर करना है। उसके पहले गुजारिश है कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज की बातें, स्ट्रेटजीज वगैरह मैं पोस्ट करता हूँ तो आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मार्केट में जो जनरल स्कैल्पर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट है। इसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कह करके प्रीमियम ट्रेडिंग कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर क्या करता है, सस्ते में प्रीमियम बाई करता है और उसका मोटिव रहता है कि जब महंगा होगा तो उसको बेच देंगे। उसी तरह से ऑप्शन सेलर क्या करता है, महंगा प्रीमियम सेल करता है और एक्सपेक्ट करता है कि जब सस्ता हो जाएगा तो इसको बाई बैक कर लेंगे, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इनकम हो जाएगी। तो क्या इतना ही है ऑप्शन ट्रेडिंग? नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी वास्ट एरिया है और एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मोटिव है वो बिल्कुल अलग है। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ है रिस्क कवर। रिस्क कवर का मतलब यह है कि एक ऑप्शन बायर दो अवस्थाओं में हो सकता है। पहला, हैज़ टू बाई स्टॉक्स। मान लीजिए आपके पास में पैसा है और आप उसको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप बायर बनना चाहते हैं स्टॉक्स के। और दूसरी कंडीशन क्या है, होल्डिंग स्टॉक्स। आपने स्टॉक खरीद लिया है और अब आपके पास में कुछ स्टॉक हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ऑप्शन बायर को टेंशन होती है। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आप मार्केट में स्टॉक खरीदने में हेजिटेट करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने 100 रुपये में स्टॉक खरीद लिया और वो गिर करके 80 रुपये पहुँच गया तो क्या होगा। और अगर आपके पास में स्टॉक होल्ड है तो भी वही टेंशन है कि भाई स्टॉक अभी 100 पे चल रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा, लेकिन बाई चांस अगर ये गिर करके 80 पे पहुंच गया तो हमारा क्या होगा। तो इन दोनों कंडीशन में कुछ लोग आते हैं इनके रिस्क को कवर करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं आपके गाड़ी का या आपके लाइफ का रिस्क कवर करने के लिए। उसी तरह से जो सेलर है, ये सेलर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेलर है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पॉलिसी सेलर है, वैसे ही सेलर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सेलर है। ये सेलर जो है इन दोनों बायर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि चलो भाई तुम्हारा जो रिस्क है उसको मैं कवर कर लूँगा, बदले में ये कहते हैं कि हमको कुछ प्रीमियम दे दीजिएगा। अब प्रीमियम जो है वो रिस्क के ऊपर में डिपेंड है, बायर के किस परेशानी को कवर करने में कितना सेलर का रिस्क होगा उसके बेसिस पे प्रीमियम कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन ये है कि आप स्टॉक खरीदने वाले हैं और आपको टेंशन ये है कि हमने खरीद लिया और दाम गिर गए, या हमने खरीद लिया दाम नहीं बढ़े तो हमारा क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में सेलर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ठीक है भाई तुम अभी स्टॉक मत खरीदो, मान लो 100 रुपये पर स्टॉक है, इसको तुम अभी मत खरीदो, एक महीने बाद खरीद लेना, और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए 100 रुपये अभी प्राइस है और 100 रुपये का ही हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इन फ्यूचर यानी एक महीने के बाद अगर मान लीजिए स्टॉक का दाम 150 रुपये भी हो जाता है तो भी मैं आपको 100 रुपये में ही बेचूंगा, यह सेलर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अब इसमें बायर का बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, 100 रुपये का स्टॉक है, एक महीने के बाद अगर 150 रुपये का हो जाएगा तो वो सेलर से 100 रुपये की दर पर खरीद लेगा और बाजार में 150 पे बेच देगा, 50 रुपये बेनिफिट वो कमा लेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर स्टॉक 100 रुपये का 100 रुपये पर ही रह जाता है या फिर 100 रुपये से घट करके 80 रुपये पर आ जाता है तो बायर क्या करेगा, स्टॉक नहीं खरीदेगा और कॉन्ट्रैक्टर यानी सेलर को उसने जो कुछ प्रीमियम दिया है 2-4 रुपये वो उसका सेलर का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अब जहां उसको ये 20 रुपये की चपत लगती, 100 का स्टॉक 80 में हो गया, उस जगह पे उसको चपत कितना लगी, 2 रुपये की, तो 2 रुपये का लॉस इज ऑलवेज बेटर देन 20 रुपीज़ लॉस। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कॉल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में CE बोलते हैं, यानी कि कॉल यूरोपियन। तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट में सेलर का कमिटमेंट क्या है, सेलर का कमिटमेंट है कि भाई अभी स्टॉक 100 रुपये का है, एक महीने के बाद अगर ये 150 का भी होगा तो भी मैं तुमको 100 रुपये में ही बेचूंगा। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो है कि 150 होगा तो भी ये 100 रुपये में बेचेगा, लेकिन जो स्टॉक इसके पास में 100 रुपये पर है अगर 150 तक पहुंचा और सेलर इसको 100 रुपये में ही बेचेगा तो सेलर का तो 50 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि 100 रुपये में बायर को नहीं बेच करके अगर यही स्टॉक इसने बाजार में बेचा होता तो 50 रुपये कमाया होता। अब अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ये स्टॉक 160 पहुंच गया तो सेलर का लॉस कितना होगा, 60 रुपये। 170 पहुंच गया तो 70 रुपये का लॉस, 180 पहुंच गया तो 80 रुपये का लॉस। तो इस तरह से सेलर का लॉस जो है ये अनलिमिटेड होगा, जितना ज़्यादा स्टॉक भागेगा बायर तो उतना कमाएगा, 100 रुपये पे सेलर से स्टॉक खरीद करके 180 में बाजार में बेच देगा, 80 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन सेलर उतने ही ज़्यादा नुकसान में रहेगा, अनलिमिटेड लॉस होता है सेलर का। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बायर के फेवर में नहीं गया, यानी कि 100 रुपये का स्टॉक 100 रुपये पर ही रह गया, तो बायर को फिर सेलर से ये स्टॉक खरीद के कोई फायदा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर डाउन हो गया, 100 रुपये का स्टॉक 80 में पहुंच गया, तो फिर तो बायर को इससे 100 रुपये में खरीदने पे लॉस ही लॉस है, क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। यहाँ ऑब्लिगेशन सेलर का है, 150 रुपये स्टॉक पहुंच गया तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बायर का ऑब्लिगेशन नहीं है। स्टॉक का दाम घट गया तो बायर जितना भी प्रीमियम दिया है सेलर को, 2 रुपये 3 रुपये, उतने का उसका लॉस होगा
और बाकी कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं भी फुलफिल कर सकता है। तो इसलिए सेलर जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। 100 रुपये का स्टॉक है, अगर सेलर को इस बात की फुल गारंटीड पता है कि स्टॉक 100 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा, तभी वो बायर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। अगर सेलर को ये जरा भी अंदेशा है कि प्राइस भागेगा, ऊपर जाएगा, तो वो बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि तब उसको ये अनलिमिटेड लॉस होगा। तो इसलिए सेलर का मोटिव हमेशा ये रहता है, कॉल सेलर का, कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपया या इससे कम हो, 95 हो चलेगा, 90 हो चलेगा, 80 हो चलेगा, नीचे जितना आना है आए, ऊपर मत जाए, क्योंकि ऊपर जितना जाएगा उतना ज़्यादा सेलर का नुकसान करेगा। उसी तरह से अब दूसरी कंडीशन को भी लीजिए, आपके पास में स्टॉक होल्ड है जिसका प्राइस अभी 100 रुपये है, यानी कि आप स्टॉक होल्डर हो, आपको खरीदना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है 100 रुपये, उसके दाम चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी आपको खबरें मिली या बाजार ने कुछ ऐसा सिग्नल दिया कि आपको लगा कि इसके दाम गिर सकते हैं, तब क्या होगा? तब आपको घबराहट होगी कि 100 रुपये का है, अगर 80 पहुंच गया तो हमारा तो 20 रुपया घाटा हो गया, या 50 पहुंच गया तब तो भयंकर घाटा हो जाएगा। तो वैसे केस में अगेन जो सेलर है वो आपके पास में आता है, ये बोलता है भाई घबराओ मत, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और जिस दाम पे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मान लो 100 रुपये पर ही तुमने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर इसका दाम जितना भी गिर जाए, 50 रुपया भी हो जाए, तो भी मैं तुमसे 100 रुपये पर ही खरीदूंगा। अब आप इमेजिन करिए, 100 रुपये का स्टॉक, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए जैसे अडानी के शेयर में हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, 4000 से ऊपर का स्टॉक 1100 में पहुंच गया था, ऐसा कुछ भी हो जाए तो भी जो सेलर है वो आपसे कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस यानी कि 100 रुपीज़ पर ही बाई करेगा। अब 50 रुपये स्टॉक पहुंच गया तो भी सेलर 100 रुपये में ही आपसे बाई करने को बाध्य है, क्योंकि इसने प्रीमियम लेकर के आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया। तो बायर के लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि 100 रुपये का स्टॉक 50 में आ गया तब भी उसका 100 में ही बिकेगा, उसका लॉस कितना हुआ? 0, 0 नहीं होगा, जो प्रीमियम दिया है उसको आप इसमें प्लस कीजिए, मान लीजिए आपने 2 रुपये प्रीमियम दिया है तो आपका लॉस हो गया कितना? 2 रुपये। लेकिन सेलर की जेब से कितना जाएगा? 100 रुपये का स्टॉक है, 50 दाम पहुंच गया है और ये आपसे 100 रुपये में ही खरीदेगा। इसको बोलते हैं जैसे पागल कुत्ता काटा हो कि 50 का स्टॉक 100 में खरीदेगा, लेकिन इसको खरीदना पड़ेगा, तो इसका 50 रुपये का नेट लॉस होगा। अब अगर मान लीजिए स्टॉक का दाम और गिर गया, 40 रुपया हो गया, गिर सकता है, तो इसका 60 रुपये का लॉस होगा। तो ऐसे जितना भी गिरेगा सेलर का नुकसान होगा, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस होगा। तो सेलर जब आपसे 100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो सेलर क्या चाहेगा? सेलर चाहेगा भैया 100 रुपये से दाम नीचे न गिरे, 100 रुपये से अगर बढ़ेगा तो सेलर के लिए फायदा है, वो 2 रुपये 3 रुपये जो आपसे प्रीमियम लिया है उसको अपने जेब में रख सकेगा, लेकिन जब स्टॉक गिरेगा तो सेलर को भयंकर नुकसान होगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? ये पुट कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, कॉल कॉन्ट्रैक्ट में सेलर का मोटिव क्या होता है? भाई 100 रुपये से ज़्यादा दाम न बढ़े, इससे कम रहे, यानी कि वो चाहता है कि मार्केट डाउन जाए तो सेलर का फायदा होगा। और वहीं पे पुट सेलर क्या चाहता है? कि 100 रुपये से प्राइस नीचे न जाए, यानी कि ये चाहता है कि इससे प्राइस ऊपर ही रहे, ये चाहता है मार्केट अप जाए। जबकि बायर्स का मोटिव बिल्कुल इसके उल्टा होता है, कॉल बायर चाहता है कि दाम बढ़े, क्योंकि जब दाम बढ़ेगा तो 100 रुपये का स्टॉक 120 होगा, ये सेलर से 100 रुपये में खरीद के बाजार में 120 में बेच देगा, 20 रुपया कमा लेगा। उसी तरह से पुट में बायर क्या चाहता है? कि दाम गिरे, क्योंकि अगर 100 रुपये का स्टॉक, इसका मान लीजिए 70 रुपये पहुंच गया या 60 रुपये पहुंच गया या 50 रुपये पहुंच गया, तो ये सेलर को 100 रुपये में बेचेगा, वहां से इसने अपना कैपिटल उठा लिया और फिर उसी स्टॉक को 70 रुपये में खरीद के होल्ड कर लेगा, फिर जब स्टॉक 100 रुपये में आएगा तो फिर बेच के पैसा कमाएगा। तो ऑप्शन का मेन पर्पस ये होता है। तो अब जब कॉल सेलर ये चाहता है कि भाई प्राइस ऊपर नहीं उठना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, तो कॉल सेलर के लिए बेस्ट स्ट्राइक क्या होगी? जिसके ऊपर प्राइस न जाए, यानी कि प्राइस शुड नॉट गो अबव, ऐसी स्ट्राइक जिसके ऊपर प्राइस न जाए, वो स्ट्राइक कॉल सेलर के लिए बेस्ट होती है। और पुट सेलर के लिए कौन सी स्ट्राइक बेटर होगी? प्राइस शुड नॉट गो बिलो, जिसके नीचे प्राइस न जाए, वो स्ट्राइक पुट राइटर के लिए सबसे बेस्ट होगी। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि कॉल राइटर के लिए जिस स्ट्राइक से ऊपर प्राइस जाने का अंदेशा नहीं है वो स्ट्राइक सबसे बेस्ट होगी, और पुट राइटर के लिए जिस स्ट्राइक से प्राइस नीचे जाने का अंदेशा ना हो वो स्ट्राइक सबसे बढ़िया होगी। अब सवाल यह है कि ऐसी स्ट्राइक हमको पता चलेगी कैसे? कॉल राइटर को यह कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइस 100 रुपये पर है तो 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, या मान लीजिए मार्केट बुलिश है या कुछ भी है और सेलर को यह अंदेशा है कि 120 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो 120 पर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से अगर पुट राइटर है, उसको यह अंदेशा है कि 80 से नीचे प्राइस नहीं जाएगा तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस पर करेगा? 80। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस स्लैब में स्टॉक के प्राइस को बांट दिया जाता है। मान लीजिए अभी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और इसका नीचे जाने का अंदेशा कहाँ तक है? 90, 80, 70, 60, 50। अब और भी जा सकता है तो और भी रहती है लिस्ट, लेकिन अपने एग्जांपल के लिए यहाँ समझ रहे हैं कि प्राइस के इतने तक जाने का अंदेशा हो सकता है, और ऊपर की तरफ में 110, 120, 130, 140, 150 यहाँ तक अंदेशा है कि भाई प्राइस ऊपर जा सकता है इस एक्सपायरी में, यानी एक महीने के अंदर में। तो अभी प्राइस कितना पर है? अभी प्राइस है 100 रुपये पर। तो ये क्या हो गया? ये ATM स्ट्राइक हो गई, एट द मनी, यानी जहाँ पे प्राइस है उसके
अब देखिए, स्ट्राइक को हम लोग राउंड फिगर में लेते हैं, तो 100 से जैसे 101, 102 या नीचे गया तो 99, 98, तो उनका स्ट्राइक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होता है, राउंड फिगर में ही होता है। तो वो सारे के सारे प्राइस जो है एटीएम स्ट्राइक के अंदर में आएंगे। अब एटीएम स्ट्राइक से नीचे के जो प्राइस हैं, जिन प्राइस को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, अब भाई कभी प्राइस 50 पे था, 50 से बढ़ के 60 हुआ, 60 से बढ़ के 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, और अभी 100 पे है। तो जिन प्राइसेस से प्राइस गुजर करके सामने आ चुका है, यानी जिन नीचे की प्राइसेस से प्राइस बढ़ करके अभी तक आया है, ये हो गई इन द मनी। अब इसको इन द मनी क्यों कहते हैं? इसको इन द मनी इसलिए कहते हैं कि अगर यहां से प्राइस इस तरफ जाएगा, यानी नीचे की तरफ में जाएगा, तो जो सेलर है उसके जेब में प्रीमियम जाएगा। उसने अगर इस स्ट्राइक का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो इसके नीचे की प्राइसेस में अगर प्राइस पहुंचता है तो पैसा सेलर के जेब में होगा, और इस स्ट्राइक के ऊपर की स्ट्राइक 110, 120, ये वो इन सब में प्राइस पहुंचता है तो पैसा सेलर की जेब से आउट होगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। इसको ऑप्शन चैन में देखते हैं, ये निफ्टी का ऑप्शन चैन है, और अभी निफ्टी ट्रेड कितना पे कर रहा है? 22,513। तो 22,500 की जो स्ट्राइक है ये क्या हो गई? ये ATM स्ट्राइक हो गई, और 22,500 के नीचे की जितनी स्ट्राइक है ये हो गई ITM स्ट्राइक, इन द मनी। यहाँ पे पैसा सेलर के जेब में जाएगा, और ATM स्ट्राइक के ऊपर की स्ट्राइक्स क्या हो गई? ये OTM स्ट्राइक हो गई, यानी कि अगर प्राइस इन स्ट्राइक्स की तरफ में गया तो पैसा बायर बनाएगा, यानी कि सेलर की जेब से पैसा आउट होगा। ये हो गई ATM, इसके नीचे की स्ट्राइक हो गई ITM, और ऊपर की देखिए यहाँ है तो ये नीचे की तरफ में है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ में बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्ट्राइक, ज़्यादा प्राइसेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब ये 750 है, 800, 850 है, 900, तो जो प्राइस बढ़ेगा तो इस तरफ जाएगा और घटेगा तो इस तरफ जाएगा, इसीलिए इनको नीचे की स्ट्राइक बोला जाता है और इनको ऊपर की स्ट्राइक बोला जाता है। तो ये क्या हो गए? ये OTM हो गए। ठीक है, लेकिन पुट साइड में बिल्कुल अलग होता है। पुट साइड में सेलर क्या चाहता है कि प्राइस ATM के नीचे, यानी यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मान लीजिए ATM पे किया है, तो ये चाहता है कि इसके नीचे न जाए, क्योंकि इसके नीचे अगर जाएगा प्राइस तो पैसा पुट राइटर के जेब से आउट होगा, पैसा निकलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? OTM। और इसके ऊपर की जो स्ट्राइक है, इधर अगर प्राइस पहुंचता है तो पैसा सेलर के जेब में जाएगा, तो इसीलिए पैसा कहाँ जाएगा? इन द पॉकेट ऑफ सेलर, इसीलिए इसको बोलते हैं ITM स्ट्राइक, यानी यहाँ पैसा सेलर के जेब में पहुंचेगा, जो प्रीमियम उसने लिया हुआ बायर से उसको वो पूरा का पूरा हजम कर लेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, सेलर को कैसे अंदाजा लगेगा कि हमको किधर का कॉल बेचना चाहिए, किधर का पुट बेचना चाहिए, यानी कि पुट सेलर कैसे डिसाइड करेगा कि प्राइस कहाँ के नीचे नहीं जाएगा, और कॉल सेलर कैसे डिसाइड करेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा? तो इसका एक उपाय है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जैसे देखिए 22,400 यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी बिल्डअप हुई है, और डे में भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुई है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 22,400 से नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, यानी यहाँ तक अगर प्राइस जाता है तो पुट सेलर को कोई नुकसान नहीं होगा, तो पुट सेलर 22,400 के स्ट्राइक को सेल कर सकता है। उसी तरह जो कॉल सेलर है, अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा बिल्डअप है और डे में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ओपन इंटरेस्ट बनी है। अब ओपन इंटरेस्ट बनी है का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर ने पोजीशन सेल किया है। तो अब आप आते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्राइक ये होगी 22,800 की, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो यहाँ पे आपको इससे ऊपर जाने के चांसेस कम है। अब इससे ऊपर अगर प्राइस नहीं जाएगा और आपने 22,800 का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, तो फिर इसका जो प्रीमियम है यहाँ पे अभी 24 रुपये चल रहा है, तो ये 24 रुपये आपके पूरे के पूरे जेब में जाएगा। उसी तरह से जो पुट सेलर है यहाँ पे 61 रुपये प्रीमियम के रूप में लेगा, ये 61 रुपये उसके पूरे के पूरे जेब में जाएंगे। जेब में कब जाएंगे? अगर एक्सपायरी को प्राइस इस स्ट्राइक से ऊपर एक्सपायर होता है या इस स्ट्राइक पे एक्सपायर होता है। उसी तरह से कॉल सेलर के जेब में ये पैसे कब जाएंगे? जब एक्सपायरी के दिन मार्केट इस एक्सपायरी के नीचे इन सब जगहों पर कहीं भी या इस स्ट्राइक तक एक्सपायर होता है, तो ये 24 रुपये पूरे के पूरे उसके जेब में जाएंगे। लेकिन जब इसके ऊपर प्राइस जाता है तो ये तो जाएंगे ही, जेब से भी जाएंगे। उसी तरह से पुट्स सेलर के लिए अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो ये तो गए ही, जेब से भी जाएंगे, क्योंकि उनका अनलिमिटेड लॉस होता है। बायर्स जनरली क्या करते हैं? वो इंट्राडे स्कैल्पिंग ये सब करते हैं। प्रीमियम मान लीजिए 110 पे खरीदे, कुछ देर के बाद में प्राइस थोड़ा सा इधर मूव किया तो प्रीमियम बढ़ गया, 120 हो गया, 125 हो गया, 130 हो गया, जिसका जितना एपेटाइट है उतना हो गया, वो बेच करके निकल गया, 50-60 रुपये जो कमाना था कमा लिया। लेकिन सेलर जनरली होल्ड करते हैं और वो एक्सपायरी तक कॉन्ट्रैक्ट को ले जाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही ये प्रीमियम पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ये कम है, जब मंथ या वीक की शुरुआत होती है तब इन कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, 200, 250, 300 रुपये,
तो हफ्ते भर में अगर मान लीजिए 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, प्रीमियम ये जीरो हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो इसलिए सेलर अगर एक्सपायरी तक मटेरियल को होल्ड करना चाहते हैं तो स्ट्राइक उनको वो सेलेक्ट करना चाहिए जहां तक प्राइस के पहुंचने का अंदेशा न हो। तो उसके लिए एक मेथड तो जैसे आपने देखे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ऑप्शन चैन देख करके। दूसरा तरीका है मार्केट का रेंज निकालना। अब रेंज कैसे निकाला जाएगा, एक थंबनेल रूल है बहुत सिंपल सा कि मार्केट मान लीजिए अभी कितना पे है, 22513 पे है। एटीएम में प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं, 22500 पर 139 चल रहा है कॉल साइड में और पुट साइड में 94 चल रहा है। 139 और 94 को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने से नियरली 228 या 229 के आसपास में आएगा। चलिए मान लीजिए 230 होता है, उतना प्रिसाइज कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो 230 रुपये होते हैं दोनों को, कॉल और पुट के प्रीमियम को जोड़ देने से एटीएम के। तो आप इसको प्लस माइनस कर दीजिए, यानी कि 22513 प्लस 230 यानी कि 22743, और इसी को माइनस कर दीजिए तो नियरली आएगा 22283। ये अप्रॉक्सीमेट है, उतना जोड़ने कौन जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट का रेंज हो सकता है 743-283। तो अब 283 रेंज है तो 283 के नीचे कौन सी स्ट्राइक है, 250 की, यानी कि 22250 और ऊपर की तरफ में 22743 यानी कि 22750 ये स्ट्राइक। अब ये देखिए ये बिल्कुल रेजिस्टेंस से आपको मिल रही है, तो ये दोनों स्ट्राइक तक ज़्यादातर चांसेस है कि प्राइस इनको क्रॉस नहीं करेगा। तो ये तो थंब रूल है, और उसके बाद अगर आप प्रिसाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक तो इंडिया विक्स मेथड भी देख सकते हैं और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मेथड भी देख सकते हैं। निफ्टी के लिए तो इंडिया विक्स आपने देख लिया, लेकिन जो स्टॉक्स हैं उनकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं दिया है, इसको सेटिंग में चल के अपने ले लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आए और हमने यहाँ पे आईवी को ऑन कर दिया, तो आईवी को ऑन कर दिया तो देखिए अब यहाँ आईवी का कॉलम आ गया। तो जो एटीएम स्ट्राइक है उसकी आईवी 13.22 और इस तरफ में कितना है 11.46। तो ज़्यादा प्रिसाइज के लिए आप आईवी ले सकते हैं और एक रफ एस्टिमेशन के लिए आप इंडिया विक्स भी ले सकते हैं। अब इंडिया विक्स 11.34 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि साल भर में निफ्टी के 11.34% प्लस साइड या 11.34% डाउन साइड जाने की उम्मीद है। अब 22513 पे चल रहा है तो रफली 10% अगर पकड़िए, 11.34 है, अपने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 10% पकड़ लेते हैं, तो 10% यानी कि एक डेसिमल आप इस जगह पे लगा दीजिए, तो 2251 एक रफली पकड़ लें, 22513 में आप 2251 ऐड कर लीजिए, उतना मार्केट प्लस साइड में जा सकता है, और 2251 माइनस कर दीजिए तो उतना मार्केट नीचे साइड में जा सकता है। तो ये तो साल भर का हुआ, हमको चाहिए वीकडेज का। तो वीक रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 11.34 ये साल भर की वॉलेटिलिटी है, अब इसको अपने छोटे पीरियड में यानी वीकली या डे में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो 11.34 ये तो एनुअल हो गया, अब इसको हम लोग चाहें तो वीकली और डेली रेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वीकली में चेंज करने के लिए 11.34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 365/7, और डेली में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 11.34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 365, और अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज जाना चाहते हैं तो इसमें से जो हॉलीडेज़ हैं उनको निकाल देना पड़ेगा। अब एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 संडे 52 सैटरडे और नियरली 14 हॉलीडेज़, 118 हो गए, तो 365 में से 118 घटा दीजिए तो नियरली 247 के आसपास में आएगा, तो 11.34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 247, तो ये एक दिन की वॉलेटिलिटी हो गई। अब मान लीजिए एक दिन की वॉलेटिलिटी हमारी आ गई नियरली 1%, तो 1% का मतलब ये है कि 22500 पर निफ्टी है, इसका 1% माने 225, तो मार्केट 225 पॉइंट प्लस जा सकता है या 225 पॉइंट माइनस जा सकता है। अब 500 में 225 जोड़ लीजिए तो 22725 हो गया, और 500 में 225 घटा दीजिए तो 22275 हो सकता है, तो ये रेंज हो गया। अब इस रेंज के आसपास में अब 725 है, यानी कि 22750 की स्ट्राइक जो है ये कॉल राइटर के लिए बढ़िया होगी इंट्राडे के लिए, और 22250 की स्ट्राइक जो है ये पुट सेलर्स के लिए बढ़िया होगी। तो इस तरह से इंट्राडे हो, वीकली हो, मंथली हो, सेलर्स जो है अपनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं जहां तक प्राइस के जाने का चांसेस नहीं होगा। अब यहां एक बात ये भी बता देना चाहता हूं कि देखिए ये जो वॉलेटिलिटी के बेस पे कैलकुलेशन है, एक थ्योरी है कि एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का 1% 68% चांसेस वाला होता है। तो ये जो रेंज निकाला गया है इसमें 68% चांसेस है या रफली 70% पकड़िए कि मार्केट इन स्ट्राइक्स तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में 30% चांस हो सकता है। तो आप 2SD भी पकड़ सकते हैं, 2SD का मतलब है ये जैसे 225 आया इसका डबल कर दीजिए, लेकिन अगर आप वीकली में 2SD पकड़िएगा तो नियरली 1000-1500 स्ट्राइक से ऊपर भाग जाएगा, 1500 नहीं भी भागेगा तो 1200 स्ट्राइक ATM से ऊपर नीचे, वहाँ की आपको स्ट्राइक ही नहीं मिलेगी ट्रेड करने के लिए, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि उसका प्रीमियम इतना पेनी होगा, 1 रुपये 2 रुपये 8 आना 4 आना, जिसमें आपको सेलिंग करके कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब 70% अगर प्रोबेबिलिटी आपके प्रॉफिट की है तो अच्छी है, उसके बाद फिर SL और हेजिंग का सहारा तो ही है। तो ये जो है बेस्ट स्ट्राइक्स है फॉर सेलर्स, और उसमें भी जो सेलर इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करते हैं उनको ये प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लेना चाहिए, अदरवाइज फंस जाएंगे, नहीं तो उनका भी मोटिव प्रीमियम बेनिफिट ही खाना रहता है, हाई प्राइस में प्रीमियम बेच दिए और उसके बाद लो प्राइस में खरीद लिए। तो वैसे में अगर उनके
स्ट्राइक को मार्केट एक्सीड भी कर जाता है तो भी उनको होल्ड तो करना नहीं रहता है, वो अपना एसएल हिट होगा निकल जाएंगे या फिर अपना बेच बाच के निकलेंगे, और या फिर नुकसान होना रहेगा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये सब प्रिकॉशनरी मेजर है फॉर बेस्ट सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक्स फॉर सेलर। और हम लोग चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि स्ट्राइक सिलेक्शन फॉर बायर्स। तो देखिए, बायर्स में एक सबसे सहूलियत यह होती है कि उनका कोई थ्रेशोल्ड नहीं रहता, यानी कि कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रहती है कि भाई इसके नीचे गया तो नुकसान या इसके ऊपर गया तो प्लस, ऐसा कुछ नहीं रहता। इन्होंने प्रीमियम लिया, उसका दाम बढ़ा तो उसका बेनिफिट होगा। स्टॉक में भी भाई सीधी सी बात है कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉल साइड में अगर प्राइस उसके ऊपर गया तब तो ये सेलर के पास पहुंचेंगे कि हमको स्टॉक दे दो, नहीं गया तो नहीं जाएंगे। उसी तरह से पुट में भी है, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस से नीचे अगर मार्केट जाता है या स्टॉक जाता है तब ये सेलर को अप्रोच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो स्ट्राइक का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनके लिए नहीं होता है। हाँ, जब ये प्रीमियम बाइंग सेलिंग करते हैं तब इनके लिए थोड़ा सा स्ट्राइक का महत्व होता है, लेकिन स्ट्राइक का महत्व इसलिए नहीं होता है कि स्ट्राइक क्रॉस कर गया तो इनका जबरदस्त घाटा होगा या प्रॉफिट होगा। स्ट्राइक का महत्व इनके लिए होता है ड्यू टू डेल्टा। देखिए, आपको बताया था कि जो सेलर का प्रीमियम रेट है, यानी कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेलर जितना प्रीमियम चार्ज करेगा वो डिपेंड करता है उसके रिस्क के ऊपर में, कितना उसको रिस्क है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपये पे कॉल सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि 100 रुपये से प्राइस ऊपर जाए। अब मान लीजिए प्राइस 99 पर है तो कॉल सेलर का रिस्क कितना है? काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर प्राइस 88 पे है तो कितना रिस्क है? कम रिस्क है। प्राइस 50 पे है तो कितना रिस्क है? लगभग नहीं के बराबर रिस्क है। तो यानी कि जैसे जैसे कॉल सेलर के लिए प्राइस उसके कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्राइक से नीचे दूर जाएगा, सेलर का रिस्क कम होगा, तब वो ये कॉन्ट्रैक्ट सस्ते में दे सकता है, यानी कि उसका प्रीमियम कम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे स्ट्राइक के पास में आएगा प्रीमियम का रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो डिसीजन है कि किस स्ट्राइक पे प्रीमियम का रेट कितना होगा, ये कौन डिसाइड करता है? इसके लिए एक ऑप्शन ग्रीक है जिसका नाम है डेल्टा। डेल्टा डिसाइड करता है कि कितने स्ट्राइक पे आपका प्रीमियम क्या होगा। डेल्टा वैसे तो वेरिएट करते रहता है, लेकिन जैसे एटीएम स्ट्राइक है तो इसके पास में डेल्टा की वैल्यू नियरली 0.5 होती है। ओटीएम में जितना दूर जाते जाएंगे उतना प्रीमियम रेट घटते जाएगा, डेल्टा रेट घटते जाएगा, काफ़ी दूर पे डेल्टा की वैल्यू 0.1 या उससे भी कम होती है। और आईटीएम में जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना डेल्टा बढ़ते जाएगा, बिल्कुल डीप आईटीएम में डेल्टा की वैल्यू 0.8, 0.9 या 1 तक होती है। तो ये डेल्टा जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब डेल्टा एक और मैसेज आपको देता है, डेल्टा की वैल्यू जितना है समझ लीजिए उतना परसेंट होता है प्राइस के आईटीएम में एक्सपायर करने का। अब जैसे यहाँ पर है 0.1, तो इसका चांसेस है कि 10% प्रोबेबिलिटी होगी कि ये आईटीएम में एक्सपायर करेगा। एटीएम का 0.5 है, यानी कि 50-50 चांसेस है, 50% चांस है कि ये आईटीएम में एक्सपायर करेगा और 50% चांस है कि ये ओटीएम में एक्सपायर करेगा। ओटीएम में जब प्रीमियम एक्सपायर करता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा सेलर के जेब में चला जाता है। एटीएम से ओटीएम की तरफ की जितनी स्ट्राइक हैं उनके जितने भी प्रीमियम्स हैं सब एक्सपायरी में, अगर वो एटीएम में एक्सपायर हुए तो उनके प्रीमियम गल करके जीरो हो जाएंगे। इसके अलावा डेल्टा एक और काम करता है, जितना भी डेल्टा की वैल्यू है प्राइस का उतना परसेंट प्रीमियम में चेंज आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी एसेट का प्रीमियम 100 रुपये है और वो एटीएम की स्ट्राइक है, यानी कि डेल्टा उसका 0.5 है। अब मान लीजिए निफ्टी का ही है, निफ्टी का प्रीमियम एटीएम का 100 रुपये है और उसका डेल्टा 0.5 है। निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो ये प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 100 × 0.5 = 50, यानी 50 पॉइंट बढ़ेगा। और अगर डीप ओटीएम जिसका कि डेल्टा 0.1 है, ये कितना बढ़ेगा? ये 100 × 0.1 = 10 पॉइंट बढ़ेगा। और कोई डीप आईटीएम की स्ट्राइक है, मान लीजिए उसका डेल्टा 0.8 है, वो कितना बढ़ेगा? वो निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो ये 100 × 0.8 = 80 पॉइंट बढ़ेगा। तो अब देखिए, जितना अपने ओटीएम से आईटीएम की तरफ में जाते जाएंगे उतना हमारे स्ट्राइक के आईटीएम में एक्सपायर होने की संभावना ज़्यादा होगी। यहाँ पे 0.1% की संभावना, यहाँ 0.5% की संभावना, यहाँ 0.8% की संभावना। तो इसलिए एटीएम या उसके अंदर की स्ट्राइक जो है उसकी संभावना आईटीएम में एक्सपायर करने की, यानी कि प्रॉफिट में एक्सपायर करने की काफ़ी ज़्यादा होती है देन डीप ओटीएम स्ट्राइक्स। इसीलिए ओटीएम, जितना डीप ओटीएम में जाइएगा प्रीमियम सस्ते जरूर होंगे लेकिन वो आपके भयंकर नुकसान का कारण होंगे। इसलिए ओटीएम स्ट्राइक को ऑप्शन बायर को नहीं लेना चाहिए, हमेशा एटलीस्ट एटीएम या इसके ऊपर। अब इसके ऊपर में ज़्यादा ऊपर जाइएगा तो यहाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, जहाँ आप बेचना चाहेंगे उतने आपको बायर नहीं मिलेंगे क्योंकि इस जगहों पर वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आपको स्लाइट आईटीएम स्ट्राइक्स, यानी कि एटीएम से एक कदम या दो कदम, यानी एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक, इतने दूर के आईटीएम स्ट्राइक्स पे ट्रेड करना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट फायदेमंद है। अब इसमें निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव किया तो आपको नियरली 60% to 65% का बेनिफिट होगा, जबकि ओटीएम आपके लिए बिल्कुल घाटे का सौदा है। अब अगर मार्केट में बहुत मोमेंटम है तो डीप ओटीएम के प्रीमियम्स के भी आईटीएम में जाने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन वैसा मोमेंटम आता बहुत कम है। तो इसलिए ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने का जिसमें प्रोबेबिलिटी कम हो, आप वही स्ट्राइक लीजिए जिसमें आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है और उसके लिए स्लाइट आईटीएम बायर्स के लिए बेस्ट स्ट्राइक होती है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।
दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।